तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम पे शायरी की पोस्ट कैसे बना सकते हो। गाइस आप इस वीडियो को बना मतलब इस पोस्ट को बनाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा। गाइस इस वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको पूरा एकदम सिंपल बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब एडिट वेडिट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला मामला है, आप समझ जाओ कोई वीडियो देख के। गाइस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले मैं आपको दिखाया था, मेरे उस पोस्ट पे 528 लाइक आए थे। गाइस ऐसे ही लाइक्स आती रहती हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग पोस्ट है, आपको इसको ज़रूर बनाना चाहिए। गाइस मैं आपको फिर अभी अपने पिक्सल लैब में बाद में ले चलूँगा, पहले आपको इफेक्टिविट ऐप है इसमें लेके चलता हूँ। गाइस मैं यहाँ पे पोस्ट बना रहा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं इसे कुछ भी लिख देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं इसे कुछ भी इमोजी वगैरह लगा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो। गाइस मैं इसको लगा रहा हूँ इसे कुछ भी, तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया ऐसे, फिर आपको डन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको गाइस अपना ऊपर जो है इसमें निकलने में आपको वहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप जो इंस्टाग्राम पे आपका होगा वही यहाँ पे आप लिखना, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इमोजी जो मैंने वहाँ पे भी लगाया वही यहाँ पे भी लगा दूंगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम में भी वही लिखना है जो आपका इंस्टाग्राम पे होगा, वही यहाँ पे लिखना है, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपके प्रोफेशनल लगेगा। फिर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, देना आपको यहाँ मैंने पहले से लगा रखा है इसलिए मैंने नहीं ओपन गैलरी ओपन किया, क्योंकि बहुत पर्सनल फोटोज़ है। तो यहाँ पे मैं इस जो आई वाला बटन उसके जस्ट राइट के बगल में सेव वाला होता है उसको क्लिक कर देना। फिर आपको पिक्सल ऐप ओपन करना है, यहाँ पे मैं एक पोस्ट बना रहा था इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, फिर यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है इसको डिलीट मार देना है। फिर आपको नीचे जो फोर्थ नंबर पे है डबल लेयर वाला उस पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे कलर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ले लेना है, फिर आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। फिर आपको गाइस नीचे से जो थ्री नंबर पे दिख रहा होगा वहाँ पे आपको उसको क्लिक करना होगा, मैं आपको वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। गाइस ऊपर से मतलब गलती से ऊपर क्लिक हो गया वीडियो में जो रिकॉर्ड करा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अपने गैलरी में लेके जाएगा, फिर आपको एक फोटो जो आपको वहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया था वहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना होगा। फिर यहाँ पे आपको देखो गाइस इसको मतलब ये होता है इसको मतलब बीच में कर लेना है इसको अपनी पोस्ट को, उसके बाद ऊपर जाके सेव वाले बटन पे सेव एस इमेज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अल्ट्रा कर देना है, इसकी क्वालिटी हाई कर देना है, फिर आपको सेव कर देना है। फिर आपको गाइस अपना इंस्टाग्राम ओपन करना होगा, देन आप यहाँ पे अपनी पोस्ट अपलोड कर सकते हो। गाइस बहुत ही ईजी ट्रिक है गाइस, ये वीडियो आप कुछ दिन अपलोड करके देखो, आप खुद ही रिस्पॉन्स दिखेगा। गाइस आपकी पोस्ट एक्सप्लोर में जाएगी, बहुत ही अच्छा इस पर रिस्पॉन्स आता है, लोग देखते हैं कि इस बंदे ने क्या क्रिएटिविटी किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। गाइस और मैंने आईफोन वाला इमोजी भी लगा के रखा है, अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बन के रखी हुई है। गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना है।